फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू खाना खजाना विद सुनीता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी मोतीचूर के लड्डू। तो ये मोतीचूर के लड्डू मैंने बिना बूंदी के बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसे मोतीचूर के लड्डू बने हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए चने की दाल। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ली है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, एक बार इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो चने की दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसके पानी को निकाल देंगे, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के रख देंगे। इसे हमें जब तक सोक करके रखना है जब तक कि चने की दाल फूल ना जाए। तो आप देख सकते हैं चने की दाल अच्छे से फूल गई है, और एक स्ट्रेनर में मैंने इसे रख दिया है ताकि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए। तो अब हमें दाल को जार में ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा जार लिया है, इसमें हम दाल डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ जार भर लिया है, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो एकदम से इसे ग्राइंड नहीं करना है, रुक रुक कर इसे ग्राइंड करें। तो यहाँ पर मैंने दाल ग्राइंड कर ली है, तो आप देख सकते हैं अभी भी दाल अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए। तो ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डाल के आप इसे ग्राइंड कर लें, बस इसका स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ पेस्ट इसका बन गया है। अब हम एक बाउल में इसे निकाल लेंगे, और ऐसे ही बाकी दाल भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो घी का भी यूज़ इसमें कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो जो हमने दाल का पेस्ट बनाया था इससे हम अब दाल के पकौड़े बना लेंगे। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें, और अब हाथों से छोटे छोटे इसके पकौड़े बना लेंगे। तो अब हम चेक कर लेंगे तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तो देखिए तेल अभी अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, इसे थोड़ा और गर्म होने देंगे। और अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम धीरे धीरे करके इसमें पकौड़े डाल देंगे। तो आप छोटे छोटे साइज़ के पकौड़े बनाएं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सकें और अंदर तक अच्छे से क्रिस्प हो जाएं, जिससे कि हमारी जो बूंदी बनेगी वो बहुत ही दानेदार बनेगी। तो फ्लेम को आप यहाँ पर मीडियम रखें, और इसे धीरे धीरे करके पलट लें ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका अच्छा कलर आ गया है, अच्छे से हमारे पकौड़े सिक गए हैं, और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े एक प्लेट में निकाल लिए हैं, ऐसे ही हम बाकी सारे पकौड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच भी पकौड़े का डाल दिया है, इसे भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो अब हम लड्डू के लिए चाशनी बना लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 400 ग्राम चीनी। तो यहाँ पर मैं फिल्टर्ड चीनी ले रही हूँ। तो जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हम अब इसमें पानी डाल देंगे। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो चाशनी को पकने में टाइम लगेगा। तो अब हम इसे चला लेंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। उसके बाद हमें इसकी एक तार की चाशनी बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चीनी पानी में अच्छे से घुल गई है, और चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम देख लेते हैं ये एक तार की बनी है कि नहीं बनी। तो इसे थोड़ा ठंडा हो जाने दें, उसके बाद आप चेक करें। तो देखिए यहाँ पर एक तार बन रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर डालना ऑप्शनल है, लेकिन इससे बिल्कुल बाजार जैसा कलर आएगा मोतीचूर के लड्डुओं में। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है चाशनी में। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच इलायची पाउडर, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा लड्डुओं में। तो अब जो हमने दाल के पकौड़े बनाए थे वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे ताकि ये जार में अच्छे से ग्राइंड हो सके। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा जार लिया है, और अब हम इसमें दाल के पकौड़े डाल लेंगे। तो इनके एकदम छोटे छोटे पीस करके डालें। तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे भी आपको रुक रुक कर ही ग्राइंड करना है, एकदम से इसे ग्राइंड ना करें। अगर आप इसे रुक रुक कर ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये पिस जाएंगे, और बिल्कुल दानेदार टेक्स्चर आएगा।
तो देखिए यहाँ पर मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है, तो आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बारीक बूंदी जैसे लग रहे हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी सारे पकौड़े भी ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इन सभी को ग्राइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बूंदी जैसे ये लग रहे हैं। तो अब हम इसमें चाशनी डाल देंगे, तो थोड़ी थोड़ी करके आप इसमें चाशनी डालें जितनी आपको ज़रूरत हो, फिर उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने जितनी चाशनी बनाई थी पूरी ही इसमें लग गई थी। तो अब आप इसमें कोई से भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें खरबूजे के बीज डाल रही हूँ, इससे लड्डुओं का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये थोड़ा गर्म है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़े ठंडे हो गए हैं और अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। ज़्यादा ठंडा भी इसे ना करें, नहीं तो लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसे बाइंड करते हुए हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। अगर आपके लड्डू गीले बन रहे हैं तो आप इसे थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में चला लें, और अगर ये थोड़े हार्ड हो गए हैं और लड्डू बन नहीं पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी चाशनी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हम बाकी सारे लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसे बिल्कुल दानेदार मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और अब मैं आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट और बिल्कुल दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो ये टेस्टी मोतीचूर के लड्डू आप चाहें तो जन्माष्टमी पर या फिर गणेश चतुर्थी पर बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।